सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ए टू जेड को और लेटेस्ट वीडियो। जी आप क्या कहना चाहेंगे गंदगी के बारे में? गंदगी के बारे में क्या कहना चाहता हूँ, अभी एक हमारे घर के आगे एक कूड़ जाती है जी, उसमें काफी गंदगी थी। यही को कहने के बाद दो दिन जी बीस एक को चली मशीन सफाई की, उसके बाद में आज भी पूरी हालात है। यहाँ तक के पप्पू टीम में नए हमारे यहाँ खाता उनका एक लड़का खत्म हुआ है, ठीक 15 दिन हुए थे उसके साथ ही। मैं घर घर में बीमार मतलब एक नहीं एक एक घर में चार चार पांच पांच बीमार पड़े हुए हैं। जैसे कि मैं उदाहरण दूं, बुरा सलमानी है और एक साहब नूरा हसन है, उनके अभी 3 बच्चे बीमार हैं, यहाँ तक कि दिल्ली एडमिट किया गया उसने है। हिम्मत अली भाई है, उनकी दीदी मरते मरते बची है, है? ये हालात है बहेड़ी नगर पालिका के है, कोई सफाई में सुधार नहीं है। अच्छा, बहेड़ी में हम बात करते हैं, बहेड़ी नगर की सफाई के लिए तो चेयरमैन साहब देखेंगे, लेकिन वार्ड की सफाई तो वार्ड मेंबर ही देखता है, आपके वार्ड मेंबर नहीं कर रहे हैं इस पे कुछ? भैया बात यह है कि अब वो अगर हम उनसे कहते हैं तो सीधे सीधे बात आ जाती है कि साहब विरोधी है जी, ये तो कहेंगे, तो इसलिए हमने सीधे सीधे जेई पे ही फोन किया था। तो आपके वार्ड मेंबर सफाई पे नहीं दे रहे ध्यान? भैया कुछ ध्यान नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं नासिर रजा खान, निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी बहेड़ी। आप ये गंदगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे बहेड़ी की? बहेड़ी की गंदगी के मामले में तो हम एक बड़े लेवल पे ज्ञापन अभी हमने SDM महोदय को दिया था कि पूरी हालत है मच्छरों की और जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, और यहाँ तक कि आज तो ये मैंने देखा कि नगर पालिका जहाँ की चेयरमैन साहब और CEO साहब और सारे अधिकारी सफाई इंजीनियर सारे कर्मचारी यहाँ रहते हैं, वहाँ के पार्क की हालत भी ये है कि बहुत बुरी हालत, वहाँ पर कूड़ा करकट पानी भरा हुआ है और वहाँ मच्छरों का गढ़ बना हुआ है। जब नगर पालिका की हालत है तो नगर के शहर की क्या हालत होगी, ये तो बहुत अजीब बात है, बहुत ही गंदगी फैली है। आप लोगों ने इस पे कभी ज्ञापन दिया है? हमने अभी 4-5 दिन पहले SDM महोदय को ज्ञापन दिया यहाँ पर, और उनसे हमने सफाई व्यवस्था के बारे में कहा, जो बहेड़ी में मलेरिया और टाइफाइड और डेंगू इस तरह की ज्यादा नगर में ही खास तौर से तमाशा बना हुआ है, इसको रोकथाम के लिए हमने बड़े लेवल पे ज्ञापन दिया और आगे हम और ज्यादा इसको धरना और प्रदर्शन तक पे हम आगे करेंगे। ज्ञापन दिए हुए कितने दिन? ज्ञापन दिए हुए कितने दिन हो गए? ज्ञापन दिए हुए हमें 4-5 दिन हुए। इस पे अभी कोई रिजल्ट नहीं आया सामने? हाँ, उसमें रिजल्ट ये आया था ज्ञापन के 1-2 दिन बाद जी, हमने ये देखा कि कुछ SDM साहब ने जब हमने फोन करके मालूम करा तो उन्होंने कहा कि मैंने CEO साहब को कहा है कि इसको देखे सफाई व्यवस्था, तो शायद कहीं ना कहीं असर थोड़ा सा दिखा था, 1-2 दिन के मच्छरों का स्प्रे किया गया था, 1-2 जगह चूना डाला गया, ये हमने ज्ञापन के उस असर का ये देखा कि हमने 1-2 दिन बाद उसका असर थोड़ा सा SDM साहब ने जब पता किया CEO साहब को और नगर पालिका कर्मचारियों को,
तब वो बल्कि वो आईजीएम साहब हमसे पूछ रही थी कि चेयरमैन साहब कहाँ हैं या यहाँ के नगर पालिका के लोग मेरे चेयरमैन साहब नहीं दिख रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ है। मैंने कहा राज्य तो पता नहीं हमें, आप ढूंढवाइए कहाँ है चेयरमैन साहब। आप देख रहे हैं ए टू जेड लाइव न्यूज, हर खबर पर है पहली नजर। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें ए टू जेड लाइव न्यूज़।